पकड़िएगा मित्रों, ये चालू सब कुछ चालू है। ये ऐतिहासिक पाटन की रानी की वाव है, जिसे सोलंकी राजा ने अपनी महारानी के पानी भरने के लिए बनाया था। यहाँ पर बहुत से बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है। आप यहाँ का संरचना देखिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग देखिए, और साथ में यहाँ की सिमेट्री देखिए। खंभों में किस तरह की सिमेट्री है वह आपको आश्चर्य से भर देगी। और सबसे आश्चर्य की बात ये कि ये 2500 साल पहले कैसे बना होगा। न जाने क्यों ताजमहल को इतना फेमस किया गया। और हाँ, ये साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ से ये आगे बहुत दूर तक है, लेकिन आगे जाने की इजाजत नहीं है, नहीं तो आगे अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर 3 फिल्मों की शूटिंग हुई। आप इन मूर्तियों को देखिए, इन्हें आज के 2500 साल पहले पत्थरों को तराश कर कैसे बनाया गया होगा। इन खंभों की नक्काशियों को देखिए, पहले के भारत में स्थापत्य कला कितनी स्ट्रांग थी, उसका जीता जाता नमूना ये रानी की वाव है। बेहद शानदार मूर्तियां, कलात्मक मूर्तियां, और ये पत्थरों की नक्काशी से बनाई गई हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर हमला किया था और इसके बाहर बने विशाल शिवालय को तहस नहस कर दिया था। अभी मैं थोड़ी देर में आपको उस शिवालय भी लेके जाऊंगा जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुजरात के हमले में तोड़ दिया था। ऐसे लग रहा है कि ये मूर्तियां अभी जिंदा हो उठेंगी। जितेंद्र की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने, उसकी पूरी शूटिंग यहीं पे हुई थी। आज विज्ञान इतना डेवलप है, लेकिन फिर भी इतनी विशाल संरचना नहीं बन सकती जो हमारे पुरातन काल में बनी है। टोटल 8 मंजिली ये इमारत अपने स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल ये स्मारक देखने पकड़िएगा। अब इन सभी खंभों को देखिए, बलुआ पत्थरों को काट के बनाई गई हैं, और हर पत्थर के ऊपर कितनी शानदार मूर्तियां बनी हैं। 2500 साल पहले इन्हें कैसे बनाया गया होगा, बीच में कई भूकंप आए, लेकिन फिर भी ये इमारत अपनी जगह खड़ी रही। सोलंकी राजवंश के दौरान पाटन शहर अपने चरम पर था। वाह, इसीलिए अमिताभ बच्चन कहते हैं, कभी तो पधारो गुजरात में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में।